नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जैक्सन। यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ की किरकिरी शुरू हो गई है। लगातार कई तरह की बातें निकल कर सामने आ रही है। हमारे साथ एक मौलाना साहब है, बातचीत करेंगे। राजधानी पटना में रहते हैं, यूपी से संबंधित बात करते हैं, उनके पार्टी से आते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिम है और समाजवादी पार्टी का मैं बिहार प्रवक्ता हूँ। अच्छा, प्रवक्ता है जी, बिहार। क्या लग रहा है यूपी में चुनाव होने वाला? बिल्कुल, आप यूपी के चुनाव पर पूरी हिंदुस्तान की नज़र है, भारत के कोने कोने की नज़र यूपी पर ही है और यूपी ही तय करेगी कि अगला देश की हवा क्या हो जाएगी। और आपको ये यकीन मान कर चलें और पूरा देश भी यकीन मान कर चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार अखिलेश यादव की दोबारा सरकार एक मर्तबा और वो रह चुके और दोबारा अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश को संभालेंगे। मैं यूँ कहा करता हूँ कुछ जुमले के साथ कि उत्तर प्रदेश फिर से अखिलेश, पहले उत्तर प्रदेश फिर पूरा देश, और फिर जब उत्तर प्रदेश उन्हें हाथ आएगी तो ममता ने जिस तरीके से ओवैसी और भाजपा को कंगाली दिखाई, कंगाली हाथ आई वहाँ बंगाल में, उसी तरीके से ये जुमले और आगे मैंने बढ़ाया कि ममता और अखिलेश मांग रहा है पूरा देश। तो उत्तर प्रदेश के बाद, उत्तर प्रदेश तो अखिलेश को आएगा ही, उसके बाद देश की हवा ही बदल जाए। में अमित शाह जी ने कहा यूपी में योगी नहीं तो देश में मोदी नहीं। अच्छा, अमित शाह जी का अल्फाज है। मैं भी कहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ते की बनस्बत कि ठीक उन्होंने कहा अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से। और मैं कहता हूँ कि यूपी में योगी तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, मेरे अनुमान या मेरे तरीके से और फिर देश के से कि मोदी देश में अगला 20 साल भविष्य में हो सकता है रह सके, लेकिन योगी का बस ये आखिरी चुनाव है, जो आखिरी बात, अब कभी भी धोखे से भी वो वहाँ पे नहीं आएंगे। मैंने यूँ कहा था कि उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आएगा भैया अखिलेश दोबारा वापस, उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर आएगा भैया अखिलेश दोबारा वापस। अरे ये चीज़ है क्या? आएगा समाजवादी पार्टी का पूरा वापस। अफसोस इस बात का रहेगा भाजपा आरएसएस को, अफसोस इस बात का रहेगा भाजपा आरएसएस को, अब आना ना होगा यूपी में योगी को कभी भी दोबारा वापस, कभी भी। अब वो ख्वाब में भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि देश का रिसर्च है, अब पढ़े लिखे बुद्धिमान और घूम घूम कर जो ज़मीनी स्तर पे लोग देख रहे हैं वो ये बताते हैं कि ऐसा करप्ट मुख्यमंत्री पूरे देश में रहा ही नहीं, जो नफ़रत फैलाने में इतना माहिर और उसको तिरंगा से नफ़रत के अपना यानी लिबास भी और अपना आवास भी और हर ढंग भगवाई झंडा को वो समझते हैं, लेकिन इस देश का नागरिक, हिंदू मुस्लिम सब नागरिक, वो तिरंगा के लिए जान दिया है और आगे भी देगा। तिरंगा में कोई कमी नहीं आएगी और आप ये मान कर चलें कि तिरंगा बाकी रहेगा, हिंदुस्तान बाकी रहेगा और तिरंगा ये उनका न योगी या कह लीजिए भाजपा अपने भगवा झंडा में भी कामयाब नहीं होगा और वहाँ ओवैसी अल्लाह अकबर कहने में भी कामयाबी हासिल नहीं कर लेगा। अच्छा। क्योंकि अल्लाह अकबर या ये धार्मिक चश्मे से जो उनके बाप दादा और उनको भी देखने की जो ख्वाहिश हो गई है उन्हें याद रखना चाहिए। इकबाल का ये रुबाई आप अपने माध्यम से ले जाएं कि अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना, अन्नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना। इंसान और इस्लाम धर्म भी कहता है कि नाहक के लिए मुसलमान ने किसी इंसान को कत्ल कर दिया ये इस्लाम बर्दाश्त नहीं करता है, छठे पारे की कुरान की आयत है। तो नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी, तलवार भी फितना, और तलवार ही क्या, इकबाल कहते हैं नारे तकबीर भी फितना। अल्लाह अकबर भी अगर अपनी खुदगर्जी के लिए हो, और वाकई उसकी खुदगर्जी के लिए ही है, वरना उसका एक भाई कहता है 15 मिनट के लिए हटा लो देश लूँगा, अब्बा का घर है क्या। एक जिन्ना उस वक्त कामयाब हो गए जिस वक्त हम जैसे नौजवान नागरिक, चाहे हिंदू मुस्लिम कोई भी, पैदा नहीं हुए थे, वो जिन्ना कामयाब हो गया अपने मकसद में। अब ये जिन्नागिरी में ये हरगिज़ कामयाब नहीं होंगे, और जिस तरह से बंगाल में उसे कंगाली हुई उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी कंगाली आएगी। और ये जुमले खुसूसन मेरी तरफ से और ले जाइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बनस्बत या फिर कार्यकर्ता भी कह लीजिए, दमदार कार्यकर्ता बनस्बत, के भारत के धार्मिक रहनुमाओं से बैर नहीं। धर्म कभी भी आप देखते हैं नफरत वगैरह सिखाता भी नहीं, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदू सिता हमारा,
भारत के धार्मिक रहनुमाओं से बैर नहीं, आजम व अखिलेश खां कोई गैर नहीं, और योगी ओवैसी तेरी खैर नहीं। अच्छा। आप यकीन मानिए कि इस वक्त दोनों की और बंगाल से कुछ ज़्यादा ही बेहतरीन समझदार उत्तर प्रदेश के लोग हैं, जिसे मालूम है कि पूरे देश को हमें बचाना है। और आप यकीन मानिए कि उत्तर और महंगाई, इस कदर महंगाई से पूरा देश को मोदी जी और यूं समझिए भाजपा राज में लोग परेशान, और योगी में ही परेशान, कि आप यकीन मानिए कि अभी प्याज का भी भाव 50 से टपते टपते हमको लगता है कि इतना ना बढ़ जाए कि जितना पेट्रोल का दाम है उतना पहुंच जाएगा। तब एक शेर मेरी तरफ से और ले जाइएगा कि एक ही सफ में खड़े हो गए पेट्रोलो प्याज, न कोई धंधा रहा न ढंग का विकास। आप यकीन मानिए कि अभी रोटी के लिए और गरीब के जो खाने पीने का समस्या है, उस पर प्रधानमंत्री जी और योगी जी को भी जोर देना चाहिए था, प्रधानमंत्री जी को भी। योगी तो की बैर तो खैर छुट्टी होने वाली है, अब तय है जनता छुट्टी कर देगी। आखिरी रुबाई मेरी तरफ से लेते जाइए कि दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, दौरे इलेक्शन कहाँ कोई इंसान नज़र आता है, कोई हिंदू कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है, कोई हिंदू कोई दलित तो कोई मुस्लिम नज़र आता है। अब बीत जाता है जब इलाकों से इलेक्शन का दौर, बीत जाता है इलाकों से जब इलेक्शन का दौर, तभी इंसान रोटी के लिए परेशान नज़र आता है। तो मेरी ये दुआ है कि ईश्वर ये जो नेता है उनको तजबुद्दी दे कि वो इंसान वाकई इंसान बने, और आम नागरिक जो भारतीय हैं उनके बारे में सोचे, और गरीबी वगैरह से उसे निजात दिलाए, और महंगाई खुसूसन कमर तोड़ जो है उससे जो है निजात मिले, गैस वगैरह ये जो सब महंगाई है वो उससे बहुत जनता परेशान है। इस लिहाज से भाजपा RSS की छुट्टी उत्तर प्रदेश से खुसूसन तय है, और योगी तो अपना हाथ मलते जाएँ, ये कहते जाएँ कि वो, मैं कहता हूँ ना कि ऐसी वो कहेंगे ही बाद में कि ऐसी वज़ीर आला की मुझे ज़रूरत नहीं थी, और ख़ास करके अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ले, क्योंकि नफरत फैलाने में ये बहुत माहिर हैं। और आप यूँ देखिए कि BJP का मतलब ये भी है कि भारत जलाओ पार्टी, दूसरी मतलब ये भी है कि बेटी जलाओ पार्टी। अब बेटी जलाओ में उत्तर प्रदेश में हाथरस और कहाँ सारी खींचना, ये सब जो है सबसे ज़्यादा घटना हमारी माए बहनों के साथ जो किया है वो योगी सरकार ने किया है, उनकी खैर नहीं। चलिए, मोहम्मद आसिम जी से हम बातचीत कर रहे थे, साफ तौर पे कहना है अखिलेश यादव इस बार UP के मुख्यमंत्री बनेंगे। देश में महंगाई काफ़ी चरम पे है, पेट्रोल डीजल और माचिस का दाम काफ़ी चरम पे है। तो इन सारे जो मेरे सवाल थे, सारे सवालों का जवाब बेबाकी से दे रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे, साफ तौर पर कहना है यूपी में क्या कुछ हो रहा है, योगी आदित्यनाथ क्या उनके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है वो पूरा दुनिया देख रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी, जल्द ही यूपी में जो है चुनाव होने वाला है, उसके रिजल्ट क्या निकल कर सामने आते हैं। उससे पहले बिहार के कई नेता जो है काफ़ी पकड़ रखते हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार यूपी में योगी आदित्यनाथ नहीं बल्कि अखिलेश यादव वो यूपी के मुख्यमंत्री होंगे। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता हो पाता है। खैर, खबर आपको कैसा लगा, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।